जल्दी नहीं खाते बनी, नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। बुरा मत मानो, तुम्हें आराम से खाना है, कम नहीं। खेलने का वक्त नहीं हुआ। पता है तुम्हें भागना पसंद है, पर पहले 3 बाइट लो। अच्छा 2 बाइट, 1 बाइट, थोड़ी सी। अरे बाप रे, तुम ठीक तो हो? कहीं गले में गाजर फंसी है इसलिए तो नहीं खांस रहे? या फिर शायद तुम्हें पानी चाहिए? अच्छा तुम इस काले गंदे धुएं की वजह से खांस रहे हो। हाँ अब समझ गई। माय लिटिल पोनी, माय लिटिल पोनी, दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। बचाओ बचाओ प्लीज, कोई मदद करो, धुएं का एक डरावना काला बादल वो इसी तरफ आ रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही तो हूँ इक्वेस्ट्रिया की नई बॉल बाउंसिंग रिकॉर्ड होल्डर। 346, 347। इस बात पे तो पार्टी बनती है। ओ, नहीं पिंकी पाई, ये तो पार्टी का टाइम नहीं है, ये तो जान बचाने का टाइम है। मुझे बहुत सारे गुब्बारों की जरूरत पड़ेगी पॉनीवेल की हारमोनी के लिए। वहाँ से धुआं निकल रहा है, और जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ आप जरा देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, रुको 7। पिंकी पाई, अब हमें शुरू से शुरू करना होगा। हमें फिर से शुरू करना होगा एक नए शहर में, क्योंकि हमारा शहर तो रेनबो डैश। जरा रुको। ओह प्लीज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, सब लोग मेरी बात सुनो। सब लोग सुनो, पूरे इक्वेस्ट्रिया पर धुआं छा रहा है। इतनी देर से मैं यही कह रही थी। पर मुझे अभी अभी प्रिंसेस सेलेस्टिया की चिट्ठी मिली, और उन्होंने बताया कि ये धुआं आग लगने की वजह से नहीं है। ओह थैंक गुडनेस, ये धुआं एक ड्रैगन से आ रहा है। एक ड्रैगन? एक इतना बड़ा ड्रैगन इक्वेस्ट्रिया में क्या करने आया है? सोने, प्रिंसेस सेलेस्टिया के मुताबिक वो सो रहा है, और ये धुआं उसके खर्राटों की वजह से है। फिर तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा है, उसके खर्राटों से आग तो नहीं निकल रही। अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ क्या करना है, उसकी धुलाई करनी होगी। हमें उसे कहीं और जाकर अपनी नींद पूरी करने के लिए मनाना होगा। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने हमें ये मिशन दिया है, और हमें ये पूरा करना होगा। अगर हमने हार मान ली तो इक्वेस्ट्रिया अगले 100 साल के लिए धुएं से ढक जाएगा। फिर हमारी ब्यूटी स्लीप का क्या होगा? तो ठीक है दोस्तों, सब लोग जल्दी से अपना सामान बांध लो, हमें एक लंबे सफर के लिए जाना है, और 1 घंटे में सब वापस यहीं पर मिलेंगे। ओके गर्ल्स, क्या सबने सुना? इक्वेस्ट्रिया का भविष्य अब हमारे हाथों में है, क्या हम सब तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल अच्छे, आगे बढ़ो। चलो चलते हैं। मुझे नहीं जाना। ठीक है गर्ल्स, मेरी बात सुनो, मैं सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रही हूँ, पर अगर हमें रात होने से पहले पहाड़ी तक पहुँचना है तो हमें जल्दी जल्दी चलना होगा। पहाड़? ड्रैगन पहाड़ की चोटी पर उस गुफा में है। लगता है वहाँ ऊपर ठंड होगी। हाँ बिल्कुल, जैसे ऊंचाई बढ़ती है ठंड बढ़ती जाती है। अच्छा हुआ मैं अपना स्कार्फ ले आई। ओह सुंदर है,
ओह हाँ, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। माफ करना ट्वाइलाइट, मैं जानती हूँ तुम बिजी हो। हाँ, हम इस रास्ते से जा सकते हैं। पर क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? नहीं, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। तो मैं सोच रही थी शायद मुझे पोनीवेल में ही रुकना चाहिए। आहा। ओह अच्छा है, तो मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। रुको, तुम्हें साथ चलना होगा। जानवरों से बात करने का तुम्हारा हुनर काम आएगा। मुझे नहीं लगता मैं। तुम्हें अपने नन्हे दोस्तों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, स्पाइक सब कुछ संभाल लेगा। मैं सब संभाल लूंगा। रुको, मुझे नहीं लगता वो ये सब संभाल सकता है। पर क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें फ्लटरशाय को साथ लेना है? मेरा मतलब वो अपनी परछाई से भी डरती है, वो मुसीबत खड़ी कर देगी। ओ, वो बस थोड़ी सी नर्वस है, जैसे ही हम चलना शुरू करेंगे वो ठीक हो जाएगी। ओके गर्ल्स, चलो चलें। वो क्या था? ये आवाज ड्रैगन के खर्राटों की है। ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। वेल, ये बस एक पहाड़ी ही तो है। मैं अभी उड़कर जाती हूँ और देख कर आती हूँ। रुक जाओ जरा, हम सबको साथ ऊपर जाना चाहिए, एकता में ही सुरक्षा है। हाँ हाँ ठीक है। मैंने सुना है ड्रैगन की पीठ के स्केल से ज्यादा चमकदार कोई चीज है तो वो है उनके जेम्स, जिनसे वो अपने घोंसले बनाते हैं। अगर मैंने ठीक से काम किया तो शायद वो मुझे उनमें से कुछ हीरे दे दे। मेरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम हीरे लेना चाहोगी? गर्ल्स, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। फ्लटरशाय, तुम वाइल्ड एनिमल से बात करने में एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन कैसा होगा? फ्लटरशाय, तुम किसका इंतजार कर रही हो? इनविटेशन का? शायद मेरे पास एक इनविटेशन है। ये बहुत बहुत ऊंचा। अरे ये पहाड़ी है, तुम शायद पता नहीं पर उड़कर आ सकती हो। कम ऑन फ्लटरशाय, तुम कर सकती हो, अपने पंखों को हिलाओ। ओके। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये तुम क्या कर रही हो? उसे पहाड़ी की दूसरी तरफ से लाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। पहाड़ी की दूसरी तरफ से? उस पे तो बहुत वक्त लगेगा। चिंता मत करो ट्वाई, हम पहुंचने ही वाले हैं। ये तुम्हारी लगातार 35वीं जीत है, बेस्ट ऑफ 71 खेलना चाहोगी? हम पहुंच ही गए। मैंने कहा था ये मुसीबत है। तुम्हारी बारी फ्लटरशाय। पर ये तो बहुत चौड़ा है। कम ऑन फ्लटरशाय, हमें अब तक बहुत दूर पहुंच जाना चाहिए था। तुम बस आगे कदम बढ़ाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा। डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें बस चलना है और कूदना है। देखा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बस अपने छोटे पैर आगे बढ़ाओ। जैसे मैंने बताया वैसे करोगी तो तुम इसे जरूर हासिल करोगे। इन सब के लिए वक्त नहीं है। बस चलो उछलो और कूदो, बस अपने पैर उठाओ और चलो उछलो और कूदो, चलो उछलो और कूदो, चलो उछलो और कूदो, चलो उछलो और कूदो। ठीक है, तुम कहती हो तो कोशिश करती हूँ। हाँ बस ऐसे ही। चलो मत कूदो, बस नीचे मत देखना। शायद मैं कूदना भूल गई।
अब हमें जरा शांत रहना चाहिए। नक्शे के मुताबिक हम उस इलाके में हैं जहाँ चट्टाने खिसकती हैं। जरा से शोर से बड़ी चट्टाने गिर सकती हैं। चट्टाने? तुम्हारा शुक्रिया। चलो फिर से करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। ओह, कहीं मैं इसके मैचिंग का टियारा लाना तो नहीं भूल गई। मेरी ख्याल से हमारे पास मैचिंग एक्सेसरीज से भी बड़ी मुसीबतें हैं। सॉरी। आओ, कोई बात नहीं शुगर क्यूब। हाँ, बस हमें इसके ऊपर से निकलना होगा। मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है फ्लटरशाई को साथ लाना अच्छा आइडिया था? हमें बस पता चलने ही वाला है। हम गुफा तक पहुंच गए हैं। रेनबो डैश, तुम अपने पंखों से धुआं हटाने में मदद करो। वेरिटी और पिंकी पाई, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम दोनों ड्रैगन का ध्यान बटाने में मदद करो। एप्पल जैक, अगर वो हमला करे तो तुम अपने एप्पल्स के साथ तैयार रहना। पर उम्मीद है कि बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि फ्लटरशाई अपना काम करेगी। उसे जगाकर हम दोनों ये समझाएंगे कि उसे यहाँ से क्यों जाना चाहिए। क्या सारी पोनीज तैयार हैं? तो ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं। तो किसी ड्रैगन को नाराज किए बिना कैसे जगा सकते हैं, बताओ फ्लटरशाई। फ्लटरशाई, कम ऑन, हमें ये करना होगा। चलो, उस ड्रैगन का एक और सेकंड सोना, मतलब इक्वेस्ट्रिया का एक और हिस्सा, तू इसे ढक जाएगा। मैं उस गुफा में नहीं जा सकती। बहुत अच्छे, अब उस गुफाओं से भी तुम्हें डर लगता है क्या? मुझे गुफाओं से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है। क्या कहा शुगर क्यूब? मुझे डर लगता है उस चीज से जो मुझे। क्या? मुझे ड्रैगन से डर लगता है। पर फ्लटरशाई, तुम्हारे पास तो एनिमल से बात करने का शानदार हुनर है। हाँ, पर वो ड्रैगन्स नहीं होते। ओह कम ऑन, तुम्हें अपने मैंटिकोर से बात करते हुए सुना है जैसे वो मामूली बात हो। हाँ, क्योंकि वो एक ड्रैगन नहीं था। स्पाइक तो एक ड्रैगन है, तुम उससे तो नहीं डरती? हाँ, क्योंकि वो एक बड़ा भयंकर डरावना नुकीले दांतों वाला, बड़े बड़े सींगों वाला, धुएं भरे खराटे लेने वाला, एक ही बाइट में पोनीज को खा जाने वाला बड़ा सा ड्रैगन नहीं है। पर अगर तुम्हें ड्रैगन से इतना ही डर लगता है तो तुमने यहाँ इतने ऊपर तक आने से पहले कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे बहुत डर लग रहा था। हम सभी को उस ड्रैगन से डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता। हम में से सभी लगभग उस ड्रैगन से डरते हैं, पर हमें एक काम खत्म करना है। चलो अब अंदर आओ और अपने आप को साबित करो। मैं बस नहीं आ सकती। ओह फ्लटरशाई, मैं अंदर जा रही हूँ।
शायद उसे अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर रहा है ना? मिस्टर ड्रैगन, माफ कीजिए मिस्टर ड्रैगन। अच्छा है आप जगे हुए हो। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है ट्वाइलाइट। स्पार्कल और मेरे दोस्त और मैं इक्वेस्ट्रिया के रहने वाले हैं, मतलब इक्वेस्ट्रिया के पोनीविल में। हम यहाँ आपसे ये कहने आए हैं कि क्या आप प्लीज अपनी नींद कहीं और जाकर पूरी कर सकते हैं? आप बहुत करांटे लेते हैं और हर बार जब आप करांटे लेते हैं धुएं का एक डरावना काला बादल बनता है। इक्वेस्ट्रिया 100 सालों तक इस धुएं में नहीं रह पाएगा, आप समझ रहे हैं ना? है ना मिस्टर ड्रैगन? तो क्या आप सोने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लेंगे? इतना सब कुछ बस उसे मनाने के लिए? आप क्या करें? जाहिर है ऐसी हालत में सिर्फ पोनी चाम ही काम आ सकता है। मुझे कोशिश करने दो गर्ल्स। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, पर हम आपको ये बताए बगैर घर वापस नहीं जा सकते कि आपकी स्किल्स कितनी खूबसूरत हैं। कितनी शर्म की बात है कि आपके स्किल्स को 100 सालों तक किसी बेकार गुफा में रहना होगा। मेरे ख्याल से आपको सोना छोड़कर बाहर जाना चाहिए और सबको अपनी स्किल्स दिखाने चाहिए। और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं इनकी रखवाली कर लूंगी। वो हीरा बस हाथ लगने ही वाला था। तुम्हारा मतलब तुम उस ड्रैगन से पीछा छुड़ाने ही वाली थी? हाँ बिल्कुल। ये क्या बचपना है? डार्लिंग तुम बहुत अजीब लग रही हो। सही कहा, मैं मानती हूँ कि किसी को हंसा कर हम उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। लगता है उसे हंसना पसंद नहीं और न ही बात सुनना। ठीक है अब बहुत हो गया, हमने उसे बात करके देख ली, उससे दोस्ती कर ली, पिंकी पाई ने भी ट्राई किया। अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, अब मुझे कुछ करना होगा। रुको, नहीं, बाहर निकलो। माफ करना। तुम्हें समझना चाहिए कि ऐसी जगह सोना अच्छी बात नहीं है जहाँ तुम्हारे खराटों से सबकी तबीयत खराब हो जाए। मगर मैं तो मुझे अगर मगर मत सिखाओ मिस्टर, और बताओ तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा बोलो तुम्हें क्या खाना है। अरे अरे इसमें रोने की कोई बात नहीं, तुम कोई बुरे ड्रैगन नहीं हो, बस तुमने एक गलत फैसला किया है। अब अपना सामान समेट लो, तुम्हें बस सोने के लिए एक नई जगह तलाशनी है। तुमने कर दिखाया, मैं जानती थी तुम ये कर सकती हो। Thank you.
जाने फ्लटरशाय तुम बदमाशों को कैसे संभालती है। स्पाइक, एक लेटर भेजना है। हाँ, जरूर। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ड्रैगन हमारे प्यारे देश को छोड़कर जा चुका है और ये मेरी प्यारी दोस्त फ्लटरशाय की वजह से ही मुमकिन हुआ। इस एडवेंचर से मुझे समझ में आया कि आपको अपने दोस्तों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, वो आप में हमेशा एक नई ताकत भरेंगे। आपकी प्यारी भरोसेमंद स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। ट्वाइलाइट, जरा आकर यहाँ देखो, वो नए पोनी रिकॉर्ड से बस 5 कदम दूर है। 347, 348, ड्रैगन। तुम सब हंस क्यों रहे हो? वो ड्रैगन की आवाज है। पिंकी पाय, तुमने मुझे डरा दिया, मेरा मतलब मेरा ध्यान भटका दिया। कोई बात नहीं रेनबो डैश, हर पोनी मेरी तरह बहादुर नहीं हो सकती ना।